महात्मा गांधी सत्य और मोक्ष के अभिलाषी थे। मानवता की सेवा को समर्पित अपनी आत्मनिवेशी तीर्थयात्रा के दौरान उन्हें कई भूमिकाएं निभानी पड़ी। इनमें से पत्रकार गांधी भी एक भूमिका थी। इंडियन ओपिनियन में 9 जून 1907 को वे लिखते हैं, मैंने पत्रकारिता को अपने जीवन के उद्देश्य प्राप्ति के लिए अपनाया है। मेरा ध्येय है कि घोर दबाव में भी उदाहरण द्वारा मैं सत्याग्रह के बेजोड़ अस्त्र का प्रयोग सिखाऊं। महात्मा गांधी ने कहा था, इंडियन ओपिनियन के प्रथम मास में ही मैं समझ गया था कि पत्रकारिता का एकमात्र ध्येय सेवा होनी चाहिए। समाचार पत्र के पास बड़ी भारी शक्ति है, लेकिन जिस प्रकार अनियंत्रित बाढ़ का पानी पूरी बस्तियों को डुबा देता है और फसलों को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार अनियंत्रित लेखनी की सेवा भी विनाशकारी होती है। यदि उसका नियंत्रण बाहर से किया जाए तो वह नियंत्रणहीनता से अधिक अनिष्टकर सिद्ध होता है। प्रेस का नियंत्रण तभी लाभकारी हो सकता है जब प्रेस उसे स्वयं अपने ऊपर लागू करे। अगर यह तर्क सही है तो दुनिया के कितने पत्र इस कसौटी पर खरे उतरेंगे। महात्मा गांधी ने कहा था कि जो पत्र पत्रिकाएं निकम्मी हैं, उन्हें कौन रोके। अच्छाई और बुराई की तरह निकम्मी और उपयोगी पत्र पत्रिकाएं भी साथ साथ चलेंगी और मनुष्य को अपना चुनाव खुद करना होगा। महात्मा गांधी कहते हैं, वाणी और लेखनी की स्वतंत्रता स्वराज की आधारशिला है। अगर यह खतरे में है तो तुम्हें अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर इसकी रक्षा करनी चाहिए। पत्रकार के रूप में गांधी कहते हैं, प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जा सकता है। उसके शक्तिशाली होने में कोई संदेह नहीं है, लेकिन उस शक्ति का दुरुपयोग करना एक अपराध है। मैं स्वयं एक पत्रकार हूं और अपने साथी पत्रकारों से अपील करता हूं कि वे अपने उत्तरदायित्व को समझें और अपना काम करते समय केवल इस विचार को प्रश्न दें कि सच्चाई को सामने लाना है और उसी का पक्ष लेना है।